राज्यसभा में इन दिनों सियासी उथल पुथल जारी है। एक ओर जहां कांग्रेस के विधायक मंत्रियों की कार्यप्रणाली से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देने में सत्ता पक्ष के मंत्री कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में गहलोत सरकार एक बार फिर घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आमतौर पर कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को होती थी, लेकिन इस बार राजनीतिक स्थिति और विधायकों की नाराजगी को देखते हुए बैठक सोमवार को ही बुला दी गई। आज शाम 7:15 पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और रात 8 मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधायकों की नाराजगी को लेकर भी बैठक में चर्चा होना संभव है। वहीं सूत्रों के अनुसार विधानसभा में विपक्ष के सवालों से घिरने के बाद मंत्रियों की ओर से जवाब न देने के मामले में भी बैठकों में चर्चा हो सकती है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। वहीं आने वाले उपचुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होने के आसार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कई बार अपने आवास पर फीडबैक ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, राजस्थान।